अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? तो मैं अभी जाके फ्री हुई, कपड़े वपड़े धो के, और फिर भी मैं फ्री नहीं हुई क्योंकि हमारे जो बादशाह है वो उठ गए हैं और उनको अभी मैं गोदी में लेके बैठी हूँ। और कपड़े वपड़े धो के, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ना कि जिनको मैंने झाड़ू जमीन और बर्तन के लिए रखा था वो गाँव गए हैं, उनका कुछ पर्सनल मसला है, तो मुझे ही करना पड़ रहा है 2-3 दिन से झाड़ू जमीन बर्तन। बर्तन धोना सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है, झाड़ू जमीन मुझे भारी नहीं पड़ रही है। कपड़ा भी मैं धो लेती हूँ मोरी में बैठ के, पापा का, आजम का, और स्किन कलर इसने, बट बर्तन धोने भारी पड़ता है क्योंकि बहुत वो वॉश बेसिन नहीं दिखाने का, वो जो वॉश बेसिन का नल मैंने बोला ना बहुत पीछे, बहुत भारी पड़ता है पेट। रुक ना उसमें जरा, एक तो पेट पेट पे टाके है, उसमें थोड़ा बहुत पेन है, और ऊपर से वो बहुत टच होता है प्लेटफॉर्म, उस वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। लोग मुझे बोल रहे हैं 4-5 दिन के लिए कोई देख ले तुझे हेल्प हो जाएगी, बट 4-5 दिन के लिए कौन मिलता है बताओ? यहाँ पे महीने भर के लिए नहीं मिलते, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, 4-5 दिन के लिए कौन मिलेगा? तो मेरी चांद से भाई कर लेते खुद ही, क्या करूँ? मैंने कोशिश भी की, 2-3 जनों को बोला भी, लेकिन कोई मिला नहीं। अच्छा, तो हटना, एक हाथ में मेरे बच्चा और एक हाथ में मोबाइल है, और ये कई गलत जगह से घुस रही है बेटा, उसमें बात तो समझ। अब भी कपड़ा सुखा के आई, हाथ भी मेरे अभी गिल्ले है, कपड़ा भी मेरा गिल्ला है, लेकिन बच्चा शांति नहीं हो रहा, क्या करूँ? तो ले लिया मैंने उसको, चल कोई नहीं हट जा। अभी उसमें नहाई भी है, लेकिन कोई हाथ से बाल बनाने नहीं देती, मैंने उसका बाल बनाए और उसने साइड से निकाल दिया। बढ़िया फैशन करने वाली, ये कौन सा फैशन है बता? पीछे रबड़ लगी हुआ है, पीछे रबड़ लगा हुआ है, और ये लोग फैशन कर रही है। आई बेटी, गर्म इतना है ना, अब इतना गर्म है, क्या बोलूँ? अभी इसको वापस सुला के और जाऊंगी मैं अभी नहाने के लिए। मैंने आज अपनी मालिश नहीं करवाई, क्योंकि अगर वो मेरी मालिश करते तो मेरी नहीं करते, वो तो छोड़, अगर मेरी करते तो उनकी करते नहीं। हाँ, तो आज उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था और मैं भी नहीं करवाना चाह रही थी, क्योंकि कल मैंने मालिश करवा तो दी थी, लेकिन घर के काम करते 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 7 बज गया, लेकिन मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिला। शाम के 7 बज गए, मैं शाम का दोपहर का खाना शाम को 7 बजे खाई, तो क्या मतलब मालिश करा के? बोली भाई तुम मेरी मालिश मत करो आज, मेरे को इतने काम है। तो उन्होंने मालिश नहीं की और इसलिए मैंने अभी तक नहीं नहाई हूँ। मालिश भी कराती थी तो मुझे 5:30-6 बजे ही नहाने मिलता है, और आज मैंने मालिश नहीं की, कराई, सारे काम मैंने खुद से किए। तो देखो अभी 4:30 बज रहा है और मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं नहा सकती हूँ। 4:30 बज रहा है, खा के भी फ्री हो गए, खाना भी खा लिया, तो अब मैं नहा सकती हूँ। तो शाम हो गई है, शाम शाम बोले तो 8:30 बज गए। ये मेरा बेडरूम है जिधर पे मैं शूट करती हूँ मोस्टली, यहीं पे मेरे सारे सामान मैं रखती हूँ, जो भी पार्सल मुझे रिसीव होता है। तो 2 दिन से मुझे मेरा ये पार्सल रिसीव हुआ है जो कि मैंने मंगाया था अपने किचन के लिए। बहुत दिन बाद मैंने कुछ अपने किचन के लिए मंगाया, न्यू कुकवेयर। जी हाँ, इस टाइम मैंने मंगाया इंडस वैली का 100% हेल्दी कुकवेयर सेट, जो कि अभी मैं अनबॉक्स करूँगी, और मैंने कैंची भी लेके आई साथ में, तो मैं वो अनबॉक्स भी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने एग्जैक्टली क्या मंगाया। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी भी है, वजन है, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है क्योंकि वेट से ही पता चल रहा है। और कुकवेयर है, वो क्या क्वालिटी है, मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ। मैंने सोचा नज़दीक से दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी, एक हाथ में फोन रहेगा, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं यहाँ से आराम से निकाल लूँ, फिर मैं एक बार बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कास्ट आयरन के बर्तन हैं, और आप लोग जानते होंगे कि नॉनस्टिक के जो हम लोग बर्तन यूज करते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है नॉनस्टिक के बर्तन यूज करना, बट उस पर खाना चिपकता भी नहीं है ना स्टार्टिंग में जब नया नया लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी कोटिंग वगैरह निकलती है, तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, है ना। बट ये बर्तन मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग लास्ट चले, लास्टिंग है, और इस पर खाना भी नहीं चिपकेगा, जहाँ तक कि देख सकते हैं इसकी फिनिश, मैं पहले देख लेती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सो ये देखिए, मैंने ओपनिंग कर ली है, इसमें मिला है, रिसीव हुआ एक कढ़ाई और पैन और एक तवा, और साथ ही साथ रिसीव हुआ है, मतलब फ्री मिला है एक ये तड़का पैन, ठीक है, ये फ्री मिला है। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो बात करने की पहले ही आप लोग देख लो इसकी थिकनेस क्या है, बहुत ही मोटा है, बहुत हैवी है, ये देखिए बहुत ज़्यादा हैवी है। Thank you.
सो मुझे पता है आज की तारीख में सब लोगों को नॉनस्टिक के बर्तन यूज करना पसंद होता है, मुझे खुद को भी पसंद है नॉनस्टिक के बर्तन यूज करना जब नया नया होता है तब। लेकिन कुछ समय के बाद दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्या आपका नहीं होता है? क्योंकि कुछ समय के बाद नॉनस्टिक का कोटिंग निकलने लग जाता है, खाना चिपकने लग जाता है, खाना जलने भी लग जाता है, 6 महीने साल भर के बाद हमें बर्तन चेंज करना पड़ता है, बार बार का खर्चा होता है। बट ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार खरीद लो, सालों साल की फुर्सत है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बर्तन यूज कर सकते हैं। ये उसी जमाने का बर्तन दिख रहा है मुझको, क्योंकि देखिए ना इसकी थिकनेस देखिए, क्वालिटी देखिए। ये मैं भी यूज करूंगी, मेरी बेटी भी यूज करेगी, उसके आने वाली पीढ़ी भी यूज करेगी, क्योंकि इतना मजबूत है, मुझको तो देख के ऐसा लग रहा है वजन है काफी मैंने, जैसे कि बोला आप लोगों को। और नॉनस्टिक के बर्तन अनहेल्दी भी होते हैं, क्योंकि उसकी कोटिंग काफी सारे केमिकल होते होंगे, जब वो निकलता है हमारे पेट में जाता है तो हेल्थ के लिए भी कितना नुकसानदायक होता है वो। ये कमेंट तो आप लोग भी करते कि नाजन कितने बड़े बड़े लोग जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो लोगों ने मुझे भी सजेस्ट किया था नाजन नॉनस्टिक के बर्तनों की जो कोटिंग निकलती है वो बर्तन मत यूज करो, उससे हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बट अपन भी नया नया बर्तन कब तक खरीदेंगे ना, नॉनस्टिक के बर्तन कुछ दिन अच्छे रहते हैं, कुछ महीने अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके बाद कोटिंग निकलने लग जाती है। तो कब अभी लेकर महीना भर नहीं हुआ तो क्या अपन वो फेंक देंगे, फिर वापस नया खर्चा करेंगे, इसलिए दिल नहीं मानता था तो यूज कर लेती थी। बट अब मैंने ये प्रोडक्ट देखा, उसके बाद ये मंगाया है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बार इन्वेस्ट किया और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, उसके अंदर हमें इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जा रहे तो और क्या चाहिए, है ना। ये देखिए ये फ्राई पैन, ठीक है, और ये फ्री मिला है। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ये प्रोडक्ट के बेस्ट पार्ट ये है कि इस पे किसी भी तरीके की केमिकल कोटिंग नहीं है। अभी जो मैंने जैसे बताया नॉनस्टिक कोटिंग में केमिकल होता है, PTFE करके कोई केमिकल होता है उसमें, जिससे बहुत सारी बीमारी के शिकार हो सकते हैं हम लोग, तो वैसी कोई कोटिंग नहीं है इसके ऊपर, ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो बहुत खुश हुई ये प्रोडक्ट पाकर। अगर आप लोग भी ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, अगर ये बाय करना चाहते हो, तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ एक कूपन कोड दूंगी जिसको यूज करोगे आप तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलो फिर इसको उठा के रखना भी है, काफी हैवी है, सालों साल की फुर्सत। सो घर के लिए मंगाया मैंने कुछ सामान, एक आध सामान खत्म हो गया था, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं घर से बाहर जा ही नहीं रही हूँ, राशन ला ही नहीं रही हूँ, तो एक 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 सामान खत्म हो रहा है। ये 10 दिन में मैंने तीसरी या चौथी बार ये कुछ ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया है, हाँ चौथी बार ऑनलाइन ऑर्डर किया है, एक 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 चीज़ ख़त्म हो रही है, तो एक एक चीज़ मंगा रही हूँ। वो रवा था, और मैं जब ऑनलाइन मंगाई रही थी 2-4 चीज़, तो मैंने सोचा कांदा टमाटर बटाटा भी मंगा लेती हूँ, नहीं बटाटा तो था लेकिन मैंने बटाटा नहीं मंगाया, कांदा और टमाटर मंगा लिया क्योंकि ख़त्म हो गया था कांदा भी। तो बस कांदा 2-3 किलो आया है 51 रुपीज़ में, और यहाँ पे मैंने विम मंगाया है और रवा मंगाया है। और आप लोग को पता है 3 किलो मिला लेकिन 2 किलो बहुत अच्छा आया, और 1 किलो का ये जो बंडल था ना उसमें एक कांदा जो है ऐसा चपटा हो गया था, जिस वजह से बहुत गीला गीला हो गई थी पूरी थैली, थोड़ा मूड भी ख़राब हुआ मेरा। लेकिन 2 पैकेट जो था ना वो बहुत अच्छा आया था, सूखे सूखे कांदे आए थे, ये कसूरी मेथी है। बस अभी कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो खुद ही ग्रॉसरी लेने के लिए फिर डीमार्ट जाऊंगी। ये इस तरह से छोटू छोटू सामान ख़त्म होता है ना बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरी मजबूरी है, कहीं जाना आना नहीं हो रहा है अभी तो कोई नहीं, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग तो नहीं है, 12 बज रहे हैं, 12:05 हो रहे और हम लोग उठे 11 बजे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, तो कैसे है आप सब? और मैं जो इतने शांत से बोल रही हूँ, आप लोग 11 बजे उठे, तो पहले मैं उठी कितने, सोई कितने बजे वो जा रहा तो सही, मैं 9:45 सोई हूँ सुबह में। क्या नहीं भाई, रहने दो तो, नहीं रहने दो। अच्छा मेरे घर में बन रहा है खाना, मैं बैक कैमरा से बताती हूँ, क्योंकि हर कोई कैमरा पे आने वाला फ्रेंडली नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ देख सकते हैं रोटियाँ बन रही है, अभी मैंने आप लोगों को बोली थी नहीं कि मैंने एक आंटी को रखा है खाना बनाने के लिए, तो वही खाना बना रहे, बनाते अच्छा माशाल्लाह से खाना। ये देखो आज बनी है घर के अंदर शिमला मिर्ची की भाजी, मेरी फेवरेट भाजी बनी है शिमला मिर्ची आलू, और साथ में बन रहे फुलका रोटी, ठीक है। तो ऐसा है, अभी ये खाना पका के जाएंगे तो हमारी ये देखो मस्त ना, इसके ऊपर फिर वो घी लगाते। अब मैं तो आप लोगों को पता है मैं तेल की रोटी खाती हूँ तवे पे ही बना के, आप लोगों को ये पता है काफ़ी टाइम से वही बना रही हूँ, मैं ये भी बनाती हूँ, बट अभी कुछ टाइम से तेल वाली रोटी खा रही हूँ, तो इन्होंने बोले कि अभी मत खाओ, खांसी हो रही ना मुझे क्योंकि इसके लिए,
और नहीं खाना चाहिए, तो इसमें घी लगा के देते तो अच्छा लगता है खाने में। और देखो वहाँ पे उज़्मा क्या। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि दो दिन से ये सोच रही हूँ कि व्लॉग अभी स्टार्ट करूँगी जो कि स्टार्ट ही नहीं होता है। क्या बोल रही हाँ वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे आप सब? पापा को है ना अभी अपन थोड़ा सवा महीने तक के कंट्रोल करते, एकदम ज़्यादा नजदीक से नहीं दिखाएंगे बेटा, क्योंकि मुझे ये कमेंट आया कि पापा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, सवा महीने तक के बहुत ज़्यादा कैमरे में मत लेके आओ। तो मैंने आप लोगों का दिल रखने के लिए उसका फेस तो रिवील कर दिया, बट सवा महीने के बाद अभी बहुत ज़्यादा फेस खेलेंगे अपन, ठीक है। अच्छा ये अभी दिनचर्या हमारी शुरू हो गई है और ये अभी शाम तक चलेगी। अभी आएंगे मालिश वाले का भी आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं, लेकिन हाँ 1:30 बजे के पहले आ जाते हैं। तो फिर वो आएंगे तो मालिश होएगी, फिर झाड़ू जमीन बर्तन के लिए। तो ऐसा सही में भाई के चक्कर में बहुत ज़्यादा डांट खाती है, क्योंकि उसको ना हमेशा उसके पास रहना है, मैं ख्याल रखूँगी, मुझे गोद में दे दो, ऐसा है। मैं क्या बोलती हूँ, थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दे, उसको भी रेस्ट करने दे। उसको ऐसा है कि मैं उसकी केयर करना चाहती हूँ, लेकिन वो भी बच्ची है, उसको समझता नहीं कि वो छोटा पापा है, उसको थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिलना चाहिए, है ना। जो आज़म उठे हुए, जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी कि रात में सोते और दिन में जागते बैठते, तो ऐसा अभी जागना सुबह में जागना, रात में जागना, शाम में सोना, बराबर। जब मालिश वाले आके मालिश करके हिला के जाते हैं ना, उसके बाद भी वो 1-1.5 घंटा तक के ट्विल ट्विल आँख हिलाते, उसके बाद सोने को मिलता है। 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक के सोता है फिर आराम से। देखो तो ऐसा टाइमिंग रॉन्ग है भाई हमारे घर का। चल अभी बिस्तर उठाएंगे, मैं अभी जा रही थी बिस्तर उठाने के लिए, बिस्तर उठाती हूँ, बिस्तर झटकती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। नहीं दूसरा चाहिए। अच्छा ठीक। जैसे आप लोग मुझे कमेंट में डांट रहे थे ना कि नाजिया ये खाओ, नाजिया वो खाओ, नाजिया इतने बजे खाओ, नाजिया वो करो, नाजिया सुबह में ये खाओ, नाजिया दोपहर में वो खाओ, नाजिया ये मत खाओ, नाजिया वो मत खाओ, अब ये कमेंट बॉक्स में नहीं मेरे घर में चल रहा है। कल से चाय बनाने की मत बोलो। हाँ मैंने बोली लेकिन फिर भी वो बना है। आप लोगों को पता है, बच्चे बड़ा हो जाएगा उसके बाद। अच्छा आप लोगों को पता है ना, आपके भाईजान सुबह की चाय मेरे लिए बनाते हैं। सुबह की चाय तो मैंने आंटी आए थे ना, जब ही बोले थे कि ना अभी सुबह में चाय मत पीना, तो मैंने हस्बैंड को बोल दी थी, बाबू को बोल दी थी मेरे लिए सुबह की चाय मत बनाना, लेकिन फिर भी वो बना रही थे मेरे लिए चाय। तो वही वो बोल रहे कि सुबह की चाय बनेगी नहीं तो तू पिएगी कहाँ से, फिर मुझे वही खाना पड़ेगा ना, पंजेरी और दूध। चलो खैर कोई नहीं। और देखो यहाँ पे पराठा रेडी हो गया। इनके हिसाब से ना मुझे अभी तक के 2-3 टाइम नाश्ता हो जाना चाहिए, इनके हिसाब से नहीं, आप लोगों के हिसाब से भी और मेरी अम्मी के हिसाब से भी, लेकिन मैं चल रही थी अपने हिसाब से। चलो कोई नहीं, ये भी आप लोग बोलते हैं अपने हिसाब से ही करती है। देखो ऐसा होता है ना, कोई जबरदस्ती सर, आप लोग भी मेरे जैसे ही होंगे, आपको बोलेंगे कोई खुद से खुद के लिए कुछ करके खा ले या पका ले या कर ले, आप नहीं करोगे जब तक कोई आपके सर पे खड़े रह के करवाएगा नहीं। आप दिल में चाहत होती है कि इंसान कर ले यार, इससे फ़ायदा ही होने वाला है अपने बच्चे का अपना, लेकिन फिर भी कई हद तक के इंसान है ना उस चीज़ को इग्नोर करता है कि चल जाने दे, थोड़ा टाइम सेव हो रहा है तो मैं रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ, ये सारी चीज़ें आती है माइंड में। यहाँ कितने लोग मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना। आओ नाश्ता करने के लिए, मीठी मीठी चाय और पराठा। देख सकता बाजू में क्या? बाजू में तो हाँ, यहाँ पे उज़्मा का है। अभी हम लोग बच्चे के पास बैठ के ही खा रहे, क्योंकि बच्चा जो है वो पूरी नींद में नहीं है, जागे हुए है, तो ऐसा है। क्या बोली आप लोगों को? अभी मैंने अभी यही बोली ना कि पापा जागे हुए है। यहाँ पर मैंने 2-3 निवाला खाई और इनका रोना चालू। आ रही, रुको, ले रही, ले रही, ले रही, ले रही, ले रही। ओ मेरा बच्चा रुको।